नगर विधायक मनीष असीजा का ड्रीम प्रोजेक्ट आसिफाबाद रेलवे का ओवरब्रिज आवागमन को तैयार। वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में किया इसका शुभारंभ। बताया पुल से बाह आगरा शमशाबाद फतेहाबाद मध्य प्रदेश तक के रास्ते खुलेंगे। फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा का ड्रीम प्रोजेक्ट आसिफाबाद रेलवे का ओवरब्रिज आवागमन को तैयार हो चुका है। उनके द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने लोकार्पण करने के साथ ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिरोजाबाद और आसिफाबाद के बीच में दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली रेलवे लाइन, इसके कारण ये क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ था। इतना व्यस्त रेलमार्ग होने के कारण ये फाटक न के बराबर खुलता था। विभिन्न समय में कभी एम्बुलेंस तो कभी फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ी, तो बुजुर्गों को जाना हुआ, बच्चियों का जाना हुआ। ये फाटक के कारण बहुत असुविधा थी, विकास अवरुद्ध था। इस पुल से बाह आगरा शमशाबाद फतेहाबाद मध्य प्रदेश तक के रास्ते खुलेंगे। सैकड़ों गांव मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में विकास के नए हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। एक बार फिर भाजपा शीर्ष नेतृत्व, जनता व सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये फिरोजाबाद और आसिफाबाद के बीच में दिल्ली से कलकत्ता के बीच की रेलवे लाइन, इसके कारण से ये क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था। इतना व्यस्त रेल मार्ग होने के कारण ये फाटक ना के बराबर खुलता था। विभिन्न समय में कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी, कभी फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ी, बुजुर्गों को जाना हुआ, बच्चियों को जाना हुआ। ये फाटक के कारण से बहुत असुविधा थी और इस क्षेत्र में बिल्कुल विकास अवरुद्ध था। आज माननीय योगी जी और माननीय केशव मौर्य जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से ये हमारे फिरोजाबाद की आज़ादी के बाद की जो सबसे बड़ी एक विकास की जो फायदा थी।